आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अलहमदिल्ला खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज मैं चिनियोट में मौजूद हूँ। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा कि सरगोधा से हम चिनियोट की तरफ मूव हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, माशाल्लाह मज़ा आया। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वक्त थक गया हूँ। और यहाँ पे मुझे एक इमारत के बारे में पता लगी थी, जो कि मुझे नहीं पता है कि ये इमारत किसकी है, क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स देते हैं, अंदर चलते हैं और ये दिखाते हैं। यहाँ पे आप बहुत ही इंजॉय कर सकेंगे, बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग में आपको। आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। उमर हयात साहब चिनियोट के ताजर थे, उनका ख़ानदानी शहर चिनियोट था और उनका बिज़नेस कलकत्ता में था। कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए उन्होंने इस 14 मरले पर 4 लाख रुपए से 1921 से 30 तक तकरीबन 10 साल में ये 5 मंजिला महल बनवाया। लेकिन उन्हें खुशियां देर पा नहीं रहीं। दो रवायात हैं, कहीं के ज़बान कह रहे हैं, तारीख़दान बयान कर रहे हैं कि वो महल बनवाते वफात पा गए, वो करीब कब्रिस्तान है। कहीं कहते हैं 5 साल रहने के बाद फौत हुए, वो करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। बाप के मर जाने के 3 साल बाद उनके बेटे की यहाँ शादी की गई, गुलजार अहमद की। तो वो ये ट्रेजेडी हुई कि वो शादी के अगले दिन अपने वलीमे वाले दिन बाथरूम में नहाने गए, वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी, वो गैस बाथरूम में फैली, जिसके जहरीले असर से उनके अकलौते बेटे गुलजार की दम घुटने से मौत वाकया हो गई। उसकी माँ ने अपने बेटे को महल, जहाँ कहा जिंदा नहीं रहे, मर के तो रहे, अपने गुलजार अहमद को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी चल बसे, उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन कर दिया। ये महल अपने रहने वालों का मज़ार बन गया। जब सब मालकान अल्लाह से जा मिले तो इसमें यतीम खाना बना, माछी बिरादी के लोग रहे। उनसे फिर 1990 में यहाँ के ज़िले हुकूमत ने संभाला, रंग रोगन करवा के चमक दमक दे दी, इसमें लाइब्रेरी बना दी। अब ये शहर की लाइब्रेरी और शहर की जगह बन गई। ये सब कुछ पहले का है, उसी तरह का रंग रोगन करके चमक दमक दे दी। कभी 5 मंजिला महल था, आप सामने मुकम्मल महल की तस्वीर देखेंगे। देखो मैं किंगाशम बात कर रहा हूँ, ये चिनियोट की एक लाइब्रेरी है उमर हयात महल। यहाँ पर लोग सुबह से दोपहर शाम 3 वक्त अखबारें और किताबें पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर अभी तालिब इल्मों का सिलसिला बहुत कम है, लेकिन आइंदा दौर के अंदर 10-20 साल के बाद तादाद बढ़ जाएगी। ये जो बगीचा है, यहाँ पर हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट से दोबारा 4 मंजिला इमारत तमीर कराएंगे। जितनी मंजिल ये पहले है, 4 मंजिला ऊपर तक देखें ना, तो वहाँ तक 4 मंजिला है। तो इस 4 मंजिला इमारत से बहुत फ़ायदा है तालिब इल्मों को। और मुस्तकबिल में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, खड़े हैं, इस जगह पर 4 मंजिला इमारत फिर दोबारा तमीर होगी, ये बैर की जगह पर, तो ये 8 मंजिला हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पेश आएगी तो इसमें इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ये जो बगीचा है, इस जगह को भी आबाद करने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी 4-5 कमरे बन जाएँ और एक छोटी सी मस्जिद भी इसमें बन जाए। किंग आशम किंग चिनियोट, हम इस वक्त कराची से आए हुए मेहमान को इंटरव्यू दे रहे हैं। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह गवर्नमेंट करोड़ों लाइब्रेरियाँ और बनवाएगी, क्योंकि अभी तालीम का जो माहौल है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक तो अभी करोड़ों स्कूल, करोड़ों कॉलेज और करोड़ों यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान की 90% आवाम अभी तक अनपढ़ है, सिर्फ 10% लोग हैं जो पाकिस्तान में तालीम याफ्ता हैं, बाकी 90% जो है अभी अनपढ़ हैं। और उनके लिए स्कूल, कॉलेज, मदारस, यूनिवर्सिटियाँ, मसाजिद का होना ज़रूरी है। किंग आशम किंग। ये इनके इस्तेमाल की चीज़ें जो ये उस टाइम अपने, यानी कि जब ये ज़िंदा थे तो ये इस्तेमाल करते थे। ये तस्वीरें इनकी,
उस टाइम की चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी हुई थी इन्होंने, अपने डेकोरेशन पीस हैं ये इनकी कमीज़ है पुराने वक्तों की, जो पुरानी इनकी वो थी इस्तेमाल में, इनके इस्तेमाल में आती थी। ये कुरान पाक की रैल है, ये रैल है कुरान पाक की, हैं जी, ये इस पर बैठ कर वो पढ़ते थे। हाँ जी, ये पुरानी टार्च भी पड़ी है, ये इस्तेमाल के बर्तन थे इनके, जो इस टाइम इन्होंने अजायब घर बनाकर इसको डेकोरेशन के लिए रख दिए हैं। जी हाँ, जो अब इन्होंने अजायब घर बनाकर इसको डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं, लोग आते हैं। ये उस वक्त के कदीमी सिक्के हैं जो उस टाइम पाकिस्तान के बनने से पहले इस्तेमाल होते थे। ये कुरान पाक जो वो पढ़ते थे उस टाइम ना, कल में नुस्खा कुरान पाक का है। ये उस टाइम के सिक्के रखे हुए हैं जो इस्तेमाल में आते थे, ये उनके वालदा की यानी कि जो है ये वो है कह रहे हैं पाजेब है, हवा के लिए, ताज़ा हवा के लिए खिड़कियाँ खुलती हैं ऐसे, ये उधर से ये वाली खिड़कियाँ साथ। ये बुक रूम है जहाँ पर किताबें हमारे पास मौजूद हैं, तमाम किस्म की इल्मी किताबें जो लोग पढ़ते हैं यहाँ बैठकर, और अखबारें भी हर वक्त होती हैं, और मुस्तकबिल में इसमें करोड़ों किताबें और रखी जाएंगी ताकि मुस्तकबिल में तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद हों और तालीम हासिल करें। ठीक है जी, ये कोई बात आपने भी करनी हुई तो अंदर कर दें। खाना है जी, ठंडे में रहने को कमरा था, तो नीचे कुछ है नहीं, चले जाएं, चले जाएं, अगर नीचे जाना है चले जाएं, इधर मुंह करके आराम से इस तरफ चले जाओ, तुम भी तो गेलो पहने चले जाओ, आप भी सर्व कर रहे हैं बेसमेंट में आ गए हम, वो वीडियो बना कर आ जाएंगे, इंटरव्यू तो हो गया इसका कमरे का। क्या खाने के बारे में कुछ बता? अच्छा चलो, तय खाने के में ऊपर ही वो आते हैं ना, फिर यहाँ से बता दें इनके बारे में, तय खाने के बारे में मालूमात दे दे। ये मेरी तरफ करें, तय खाने की थोड़ी बात कर दें। अस्सलामु अलैकुम, ये तय खाना इसलिए होता है कि यहाँ पर लोग अपना सामान वगैरह रख सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी इसमें रखी जा सकती है। रात का वक्त हो जाए तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें और अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इस तय खाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मीं बारिश या हवा वगैरह हो तो तय खाने में आदमी बैठ जाए तो मीं बारिश का एहसास नहीं होता, हवा का एहसास नहीं होता। ये ऊपर की मंजिल है जहाँ पर हम इस वक्त इंटरव्यू के लिए पहुँचे हैं। इस तरफ आ जाएं, इस तरफ से आ जाएं। यहाँ पर ये महल की इमारत का आखिरी कमरा है जो जिस बुलंदी पर हम पहुँचे हैं। ये पाकिस्तान के चनी में जहाँ पर लोग जब हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं तो इस कमरा में वो खाना पीना भी कर लेते हैं और बैठ भी जाते हैं बातचीत करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और इसके अलावा ये एक छोटा कमरा है यहाँ पर, ये देखें इस कमरे को आप देखें, ये कमरा जो है बहुत अच्छा कमरा है। इसके दो दरवाजे हैं राइट से और लेफ़्ट से, जब मेहमान आते हैं तो इधर दाएं तरफ से भी आ जाते हैं, बाएं तरफ से भी। और इसमें 4-5 सोफ़ा सेट भी रखे गए हैं ताकि कोई यहाँ पर ऑफिसर वगैरह आएँ या वज़ीर वगैरह आएँ तो उनके बैठने की भी जगह है। और इस कमरा में ज़्यादातर जो है वो हमारे पास जो दूर के मेहमान होते हैं जैसा कि बैरून ममालिक हैं,
उन लोगों को हम यहाँ पर बिठाकर उनसे बातचीत करते कम इस कमरा में आराम करती थी। तो इसके अलावा उनके अहले खाना जो थे तमाम कमरों में आराम करते थे। ऊपर की तरफ आएँ तो ये सीढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत बनाई हैं और इन सीढ़ियों को उस वक्त लकड़ी का बनाया गया क्योंकि उस वक्त जो है वो लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर एक कुआं भी है जो आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा कुआं है जो कि 90 साल पुराना है और इसमें इस वक्त पानी नहीं है। ऊपर से बंद कर दिया था तो नीचे से पानी खुश्क हो गया। अब जो है ये कुआं का इस्तेमाल हो सकता है, अगर इसको दोबारा इसमें कोई पंप मशीन लगा दी जाए तो पानी यहाँ से। ये बाहर का मंजर अब आपको यहाँ से देंगे क्योंकि ये बिल्डिंग की बाहरली साइड आ रही है। यहाँ पर करें कैमरा इधर। ये जो खिड़कियाँ हैं ये पुराने दौर में बनी 1925 के अंदर। इससे बाहर का मंजर हमें यहाँ से नज़र आता है, चनियोट के पहाड़ यहाँ से नज़र आते हैं और ऊपर की मंजिल पर चले जाएं तो दरियाए चनाब किसी दौर में नज़र आता था। इसकी ऊँचाई इतनी थी कि आखिरी मंजिल से दरियाए चनाब चलता हुआ नजर। इस कमरे में आ जाओ। यहाँ पर सामने ना, ये उस दौर में मिस्त्री ने इस तरह की इमारत बनाई कि एक कमरा राइट साइड पर बना दिया, एक लेफ्ट पर, और दरमियान में खला छोड़ दिया, ये जगह सारी खाली छोड़ी। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आदमी एक दूसरे से बात कर सकता है। सामने मिसाल है कमरे में कोई आदमी खड़ा है तो उसके साथ बात की जा सकती है, इस तरफ खड़ा है तो तब भी बात, और यहाँ से बाहर की तरफ भी एक खिड़की खुलती है। इधर से बाहर आदमी अगर नीचे की तरफ है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ है तो नीचे से आवाज़ देकर बुलाया जा सकता है। तो इन खिड़कियों का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये ऑक्सीजन के आने का सबब है और धूप की भी रोशनी किसी वक्त ज़रूरत हो, रात के वक्त तो चाँद की रोशनी जो है वो बिल्डिंग के अंदर आती है, दिन का वक्त हो तो सूरज की रोशनी और सितारों की रोशनी तो ऊपर छत से नज़र आ जाती है। तो ये जो इमारत है इसको आइंदा मुस्तकबिल में और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये इमारत जो है पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की अजमत है, पाकिस्तान की बुजुर्गी है। मुस्तकबिल में इस बिल्डिंग पर 5-6 अरब रुपया लगवा कर हम इंशाल्लाह इमारत को पहले से बेहतर हालत में करेंगे क्योंकि